करण जौहर की पार्टी में पहुंचे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, इनसाइड वीडियो में साथ दिखे मलाइका अर्जुन। करण जौहर को पार्टी लवर कहा जाता है। करण अक्सर ही अपने घर पर बॉलीवुड सितारों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। शनिवार रात करण ने फिर से अपने घर पर पार्टी रखी। इस पार्टी में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी पहुंचे। करण जौहर ने पार्टी का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए करण ने कैप्शन में लिखा, सैटरडे नाइट वाइब्स। इस वीडियो में अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, वरुण धवन, नताशा दलाल, विक्की कौशल और अयान मुखर्जी भी नजर आए। सभी पार्टी एंजॉय करते दिख रहे हैं। करण के इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। करण की पार्टी में एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को देखना दिलचस्प था। बता दें कि हाल ही में करण जौहर ने तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए हैं। करण ने फिल्म के बारे में कहा, डियर कॉमरेड में विजय ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन वो इस फिल्म के रीमेक में काम नहीं करना चाहते हैं। मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ। वहीं ये भी खबर आई थी कि इस फिल्म के रीमेक में करण, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को कास्ट करने वाले हैं। करण ने ट्वीट कर इसको अफवाह बताया था। करण ने ट्वीट करते हुए लिखा, 26 जुलाई को रिलीज हो रही डियर कॉमरेड की टीम को अपार सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक स्पष्टीकरण भी, अभी तक फिल्म के लिए किसी भी लीड एक्टर्स पर नहीं विचार किया गया है और न ही किसी से कोई बात की गई है। इसके अलावा करण जौहर ने एक और नए चेहरे को लॉन्च करने का फैसला किया है। यह चेहरा भी फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से ही है और इसे करण जौहर की खोज आलिया भट्ट का करीबी बताया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन की सहयोगी कंपनी धर्माटिक नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म बना रही है और इस नए चेहरे की लॉन्चिंग इसी फिल्म से होगी। इस नए चेहरे का नाम आकांक्षा रंजन है, जो मशहूर टीवी शो निर्माताओं शशि रंजन और अनुरंजन की बेटी हैं।